अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औलाद के लिए वालदेन माँ बाप दुनिया की सबसे बड़ी नियामत हैं। औलाद जितनी जिस कदर अपने माँ बाप की इज्जत और तकरीम तौकीर कर ले वो उसके लिए कम है, और जिस कदर इज्जत और एहतराम करेगी उसकी सआदत में चार चांद लगते चले जाएंगे। रिवायत में है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि कौन सा अमल सबसे बेहतर है। आपने इरशाद फरमाया नमाज के वक्त पर नमाज पढ़ना। फिर मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह उसके बाद कौन सा अमल सबसे बेहतर है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उसके बाद ये कि तुम अपने माँ बाप की खिदमत। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करो और अपने वालदेन के साथ अच्छा सलूक करो। इसी के ताल्लुक से मुझे एक वाकया जहन में आ रहा है कि माँ बाप की दुआएं किस कदर काम आती हैं। माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में अल्लाह की बारगाह में कबूल होती ही हैं। एक वाकया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का है। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम दरिया के किनारे जाओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि दरिया के किनारे जाओ, वहां जाकर तुम्हें एक चीज दिखेगी, एक अजीब चीज तुम्हें दिखेगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे गए, आपने चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन कुछ नजर नहीं आया। आपने अपने वजीर आसिफ से कहा कि तुम दरिया में गोता लगाओ। आसिफ ने दरिया में गोता लगाया तो देखा कि एक कुबा उनको नजर आया। वो कुबा बड़ा ही खूबसूरत था और उस कुबे के चारों तरफ दरवाजे थे और चारों दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन उन दरवाजों में से पानी अंदर दाखिल नहीं हो रहा था। और उन्होंने देखा कि उसके अंदर, उस कुबा के अंदर एक शख्स खड़ा होकर नमाज अदा कर रहा है। और उसके बाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी बारगाह में गए। जाने के बाद उनसे दरियाफ्त किया कि तुम्हारा यहाँ रहने का राज क्या है, तुम यहाँ कब से रह रहे हो। उसके बाद उस शख्स ने कहा कि हुजूर मेरे वालिद जो थे वो अपाहिज थे और मेरी वालदा जो थी वो अंधी थी, तो मैंने उनकी खिदमत की। जब मेरी वालदा की वफात का वक्त करीब आया तो मेरी वालदा ने मेरे लिए दुआ की कि ए अल्लाह मेरे बच्चे की उम्र, मेरे बेटे की उम्र को दराज कर दे, लंबी कर दे। तो उसके बाद में जब मेरे वालिद के इंतकाल का वक्त करीब आया तो मेरे वालिद ने भी मुझे दुआ देते हुए ये कहा कि ए अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसी जगह अता फरमा जहां शैतान को बहकाने की इनको कोई रास्ता ना मिले। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी इस दुआ को कबूल कर लिया। एक दिन में दरिया के किनारे जा रहा था तो दरिया के किनारे मुझे ये मकान, ये कुबा नजर आया और मैं इसमें दाखिल हो गया, और ये फिर इस तरह से मैं इसी में रहता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम खाना कैसे खाते हो, तुम्हें यहाँ खाना कैसे मिलता है। उसने कहा कि एक परिंदा आता है और मुझे कुछ लेकर के आता है, मैं उसे खाता हूँ और उसमें मुझे दुनिया की हर चीज़ की लुत्फ आता है, हर चीज़ का मज़ा आता है, तो मैं उसको खाकर अपना पेट भर लेता हूँ और सारी चीज़ों का वहम गुमान मेरे दिल से निकल जाता है, सिर्फ अल्लाह को याद करता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर उनसे सवाल किया कि तुम्हें यहाँ कितना अरसा हो गया है, यानी कितने दिन से तुम यहाँ पर हो, तुम कब यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से यहाँ हूँ। आपने तारीख को देखा तो पता चला कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने को गुजरे हुए 2400 साल हो चुके हैं और 2400 साल से ये शख्स यहीं पर अल्लाह ताला को याद कर रहा है, अल्लाह ताला की इबादत में लगा हुआ है। और ये सिला इसको सिर्फ इस वजह से मिला कि इसने अपने नाबीना और अपाहिज वालिद और वालदा की खिदमत की और उनकी दुआएं पाई, और उनकी दुआओं का ये नतीजा है कि इनको वहां पर बैठे बैठे अल्लाह ताला की तरफ से खाना भी मिल रहा है, अल्लाह की इबादत भी हो रही है और इतना खूबसूरत मकान भी इनको अता कर दिया गया है।